जी दोस्तों सलाम आदाब नमस्कार। देखिए बहुत ही जबरदस्त जो है कंपनी आ गई है जबल अल सलाम, जो कि सुमी स्टार भी सेम ही कंपनी है। ये फर्नीचर कारपेंटर, फर्नीचर पॉलिशर और जिप्सम कारपेंटर चाहिए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसका वीजा आपको 10 दिन में मिलेगा। इसलिए मिलेगा, देखिए बगल में ही इसी कंपनी का वीजा लिखा है और डेट देख लीजिए, आज ही का डेट है 25 अप्रैल 2023। और मैं वीजा दिखाना शुरू कर दूंगा तो शायद पूरा वीजा दिखाते दिखाते शाम हो जाएगा और वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। देखिए 25/4/2023, समझ रहे हैं, 25 आज ही का डेट है। और देखिए राकेश भाई है और लोग हैं, सारे लोगों का वीजा जो है आ गया है, जो कि इस कंपनी में इंटरव्यू दी है। तो आपको दोबारा दोस्त ये मौका मिल रहा है, आप आएंगे इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू के बाद 100% श्योर है आप पास हो जाते हैं तो वीजा आ जाएगा। दोबारा आपको मौका ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि जो साथी इंटरव्यू दिए थे उनका सामने देखिए मैं वीजा रख के बात कर रहा हूँ, एकदम पानी की तरह, एकदम साफ तरह से वीजा दिखा के बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये 28 तारीख को क्लाइंट इंटरव्यू है, आपसे काम करवाएंगे। अगर काम आपको मालूम है, इंटरव्यू पास कर जाते हैं तो तुरंत का तुरंत आपको वीजा मिल जाएगा और तुरंत ही आपको मेडिकल करवा के देना होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कुछ साथी सोच रहे होंगे मेडिकल के बाद वीजा ना आए तो पूरा पैसा हम देंगे, जान लीजिए आपको, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो जो साथी जाना चाहते हैं बाहर, ठीक है, जो विदेश में रोजगार करना चाहते हैं, फर्नीचर कारपेंटर है, फर्नीचर पॉलिशर है और जिप्सम कारपेंटर है, तीन ट्रेड है आपके पास, तो समझ लीजिए आप तुरंत का तुरंत 10 दिन में जाना चाहते हैं, 15 दिन में जाना चाहते हैं, 20 दिन में जाना चाहते हैं तो हम भेजने का जान लीजिए गारंटी ले रहे हैं, बस आपको इंटरव्यू पास करना होगा। तो यह जो है फर्नीचर कारपेंटर जो है 100 चाहिए, जिसमें सैलरी 1000 से 1100 प्लस 200 खाने का अलग से है। फर्नीचर पॉलिशर जो है चाहिए 1000 से 1100 सैलरी है, 200 खाने के लिए अलग चाहिए। और जिप्सम कारपेंटर चाहिए 30, जिप्सम कारपेंटर 30 चाहिए जिसमें सैलरी 1000 से 1100 प्लस 200 है। जैसे हमारा पांच उंगली बराबर नहीं होता है, इसलिए इसी तरह सबको काम भी किसी को ज्यादा किसी को कम मालूम रहता है। तो जैसा आप काम के इंटरव्यू देंगे वैसा आपका सैलरी रहेगा, हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें तो आपका 1300 रियाल से बढ़ भी सकता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये फर्नीचर कारपेंटर, फर्नीचर पॉलिशर और जिप्सम कारपेंटर का इंटरव्यू 28 अप्रैल को हमारे ऑफिस में है। एज आपका 21 साल से लगा के 45 साल तक मेरे भाइयों चल जाएगा, देखिए एज 21 साल से लेके 45 साल तक चल जाएगा। पासपोर्ट आपका 10 फेल रहे 10 पास रहे चल जाएगा। दुबई की कंपनी है या जो भी बता रहा हूं, 8 घंटे की सैलरी है, 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलेगा, 6 दिन काम करना रहेगा, जुमा को छुट्टी रहेगा, ठीक है, एकोमोडेशन मेडिकल और जो भी वहां का फंड बोनस है, जो भी दुबई का लेबर ला है, सारी चीजें कंपनी देती है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा मौका है, जो भी साथी जाना चाहता है 28 तारीख को आ जाए, अगर तीनों ट्रेड है आपका तो, नहीं तो आप मौका बहुत बड़ा हाथ से गवा देंगे। क्योंकि कोई भी ऑफिस वाला देखिए इस तरह से वीजा दिखा के और आज ही का डेट, ये आज वीडियो डालना हो और आज ही का डेट देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, तो इतना जो है साफ तरीके से नहीं बात करते हैं। नमन पटेल भाई लिख रहे हैं जिप्सम कारपेंटर का नहीं है भैया, जिप्सम कारपेंटर का ही तो है नमन पटेल भाई, रुकिए मैं आपको कॉल करता हूँ। ये देखिए, अच्छा आपका पुराना फेसबुक इसलिए नहीं जुड़ पा रहा हूँ, ये जिप्सम कारपेंटर साफ लिखा हुआ है 30 आदमी चाहिए, देखिए ये 30 आदमी चाहिए जिप्सम कारपेंटर, जिसमें 1000 से 1100 रुपया सैलरी है, 200 खाने का अलग से आपको दे रही है, जान लीजिए साफ लिखा है फर्नीचर कारपेंटर, फर्नीचर पॉलिशर और जिप्सम कारपेंटर, एकदम साफ साफ लिखा है। और तुरंत आप विदेश चले जाएंगे, ठीक है। अफजल भाई प्लम्बर का भी लाते हैं भैया, ठीक है। रामबदन भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है, ठीक है। स्टील फिक्सर का तो हरदम रहता है रंजीत भैया, कभी भी आ जाए। संदीप मौर्य साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो शेयर किया है। सुजीत शर्मा साहब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, साथ ही बात करना चाहते हैं वीडियो शेयर करें ताकि हम बात करें आपसे, पूरा एकदम खाली बैठे हुए हैं, कोई साथी बात करना चाहते हैं वीडियो शेयर करें ताकि हम बात कर सके। भूपाल जी हेलो, हेलो हेलो, आवाज आ रही है भैया, हेलो। सुजीत शर्मा साहब देखिए इनके यहाँ लग रहा है नेट का सुजीत शर्मा के यहाँ प्रॉब्लम है। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? एमडी काजू जलालुद्दीन भाई मैं आपको भी कॉल करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा आपका भी फेसबुक जो है। मेसन का साहब हुसैन भाई आ जाइए यार, मेसन स्टील फिक्सर सेटिंग कारपेंटर हर एक महीने रहता है। हेल्पर का भी साहब भाई आज ही इंटरव्यू था। रामबदन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको भी कॉल कर रहा हूँ।
रामबदन भाई हमारे इतने बढ़िया भैया हैं कि हर एक वीडियो हमारा शेयर करते हैं, और एमडी राजू भाई भी हमारा हर एक वीडियो शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको कॉल किया हूँ, अर्जुन कुमार राजभर भाई मलेशिया है लिख रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मलेशिया देख रहे हैं जी। राजू भाई सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलामुअलैकुम, बहुत सलाम, बहुत क्या हाल है? शुक्रिया कि आप हर एक वीडियो हमारा शेयर करते हैं, जान लीजिए। हाँ, और सब हम बताइए आपके लिए क्या क्या हाल चाल। कर सकते हैं बताइए ना, हम तो अभी दुआ कर सकते हैं आपके लिए, आपके घर, आपके फैमिली चलिए, लोग सदा आमीन, खुशहाल सुम्मा रहे। आमीन, दुआ कर रहे हैं, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ ही बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, जी कोई सिविल वाला है, वीजा उजा सिविल का है कोई? सिविल का तो पूरा रहता है ना भैया, स्टील फिक्सर सेटरिंग कारपेंटर मेसन कभी भी नहीं, ऑफिस भेजिए, काम हो सिविल जाएगा। इंजीनियर का है अगर सिविल तो बताइए, इंजीनियर का तो अभी नहीं है। देखिए थोड़ा तो इंजीनियर का ना बताइए। भैया सुनिए ना, आप एक इंजीनियर माने के नहीं, कम से कम 400-500 आदमी खटाता है, उसके अंदर सुपरवाइजर होते हैं, चार्जेंट होते हैं, फिर सारे होते हैं, तो उतना इंजीनियर का डिमांड नहीं आता। आप नहीं है, सुनेंगे हाँ, हाँ इस कंपनी में 100 फिनिशिंग कारपेंटर चाहिए, 50 100 फर्नीचर पॉलिशर चाहिए, लेकिन ये नहीं सुनेंगे किसी कंपनी में 200 100 इंजीनियर चाहिए। नहीं, वो तो बात सही है। हाँ चलिए, और कोई बात नहीं, वही हम कहें कि थोड़ा बस अलहमदुल्ला, पूछेंगे, और बहुत अच्छे, बहुत सब बहुत ठीक शुक्रिया है। राजा भैया कि आपने वीडियो को शेयर किया है। कौन रहती है का जो का बोला था, और ना, नहीं दोस्त, मेरा नंबर नहीं है जो आप लिख रहे हैं, 7004777449 मेरा नंबर नहीं है, मेरे ऑफिस का देखिए यही नंबर है, और जो भी साथी इस नंबर पे, देखिए बाद भी फोन इतना ज्यादा आता है, और स्टाफ से भी मैं कमी से ढूंढ रहा, अभी जूझ रहा हूँ क्योंकि ईद में लोग छुट्टी पे गए हैं। ये मेरे ऑफिस का दो नंबर है दोस्तों, ठीक है, जो भी आप बात करते हैं इसी को सही मानिए आप इस नंबर पे, बाकी किसी नंबर पे आपका बात होता है तो थोड़ा डाउटफुल रहिए, और इसके अलावा किसी नंबर पे पैसा वैसा ना भेजा करिए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 7800477729, 7880600477, ठीक है, और इस चीज को ध्यान दीजिए, और इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा आप लोग आइए दोस्तों, और जेपी साहब आप भी देख रहे हैं हमारे कुशवाहा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो को शेयर किया, अमित भाई आपको मैं लगा रहा हूँ, सर ये जो नंबर है जुबेर खान साहब, देखिए यही नंबर है जो 29। हेलो हेलो, जी, कैसे? नमस्ते सर, नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम देवरिया जिला से कवन गांव? भाट पर रानी। भाट पर रानी, खास भाट पर रानी, हाँ, भाट पर रानी, खाम पर थाना। और का हो जाता? और सब बढ़िया है, बोल रहे थे कि वो दी आल एथी रजिस्ट्रेशन कराए थे वहां क्या ट्रेड है आपका? पे, ट्रेड क्या? असिस्टेंट मैकेनिकल असिस्टेंट में कराए थे। मैकेनिकल एसिस्टेंट है, हेल्पर में जान है यार, हेल्पर के लिए का दिक्कत वो बात हो गया? ठीक है तो आएगा तो बताइएगा, वो बता रहे थे तो उसमें 90 और खाना था। तो देखिए मेरे भाई, मेरी बात सुन लीजिए, सारे लोग आपके पास फोन आता है ना ऑफिस से, भैया ये वांट आया है, इतना तनख्वाह है, सारी चीजें हाँ, बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बताते हैं, एक बार फोन किए थे बहरीन का आया था तो बोले थे कि 90 उसमें है, और मेरे बात ध्यान सुन लीजिए, जो भी साथी किसी भी ट्रेड में अप्लाई करते हैं, हमारे ऑफिस से आपके पास फोन जाता है, फोन जाता है और बताया जाता है भैया इतना इस यह कंपनी के नाम है, इतना तनख्वाह है, इतना पैसा लेगा, आप बोलिए तो हम आपका वीजा निकाल देते हैं, आप बोलते हैं निकाल दीजिए, निकल जाता है, बोलते हैं नहीं इसमें नहीं जाएंगे तो फिर रोक दिया जाता है, तो आपको इसी तरह काल जाता रहेगा, और आपको जिसमें बेहतर लगता है बोल दीजिए भैया निकाल दीजिए, ठीक है? संदीप कुमार सोनी साहब, सर आपका पास रिक्वायरमेंट है क्या? हाँ रिक्वायरमेंट तो रहता है मेरे भैया। जुबेर खान साहब, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ बात है तो ऑफिस पे आके आप बात कर लें। सुजीत शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। मनीष यादव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इंग्लिश में बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। कुवैत के बीजार, कुवैत का भैया पैसा इतना ज्यादा सब मांग रहे हैं, कुवैत का कमा थोड़ा शुरू कर दिए हैं यार, मानेंगे नहीं, मैं क्या मैं बताऊं, कुवैत में सबसे ज्यादा मैं ही काम करता था, लेकिन वहां के कंपनियों में इंजीनियर सॉरी एचआर से लगा इतना ज्यादा पैसा मांग रहे हैं कि हमने बंद कर दिया यार, हम चाहते हैं आपको कम से कम पैसे में रोजगार दिलाएं, कम से कम पैसे में, कि आप गए वहां 2 से 3 महीने में आपका सारा जो भी है वो निकल गए, नहीं कि गए तो आपका 6 महीना साल भर लगे पैसा बनने में, इसलिए हमने एकदम बंद कर दिया है कुवैत का दोस्तों, आपकी भलाई समझ के, ऊपर से आदमी भी बहुत परेशान होता है, वीजा निकलने बाद भी आदमी नहीं जा पाता, क्यों?
पीसीसी करवाइए, बताइए मेडिकल इतना कुवैत का हार्ड है, इतना हार्ड है कि पूछिए मत, जान लीजिए मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर 20 वीजा मिला तो मेडिकल और पीसीसी से उसमें 15 आदमी छट जाते, 5 आदमी जा पाते हैं बेचारे, उन लोग का भी। शैलेंद्र सिंह साहब फर्नीचर कारपेंटर के हैं मेरे भाई, मैं वही बार बार बता रहा हूँ। देखिए जाफर सलाम बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, और ये सुमित स्टार दोनों सेम ही कंपनी है। इसमें फर्नीचर कारपेंटर 100 आदमी चाहिए। क्लाइंट इंटरव्यू है 28 तारीख को, और फर्नीचर पॉलिश है और जिप्सन कारपेंटर, ये तीन ट्रेड का जो है आदमी चाहिए। तो आप देखिए इसमें से अगर आप हैं तो ये मौका छोड़िए नहीं, इसलिए नहीं छोड़िए कि इसी कंपनी का देखेंगे तो आज ही डेट में वीजा निकला है। ये जो है 8-10 दिन पहले ये लोग का इंटरव्यू हुआ था, क्लाइंट इंटरव्यू हुआ था, और देखिए कंपनी नाम भी सेम लिखा है, समझ रहे हैं, इंटरव्यू हुआ था और आज वीजा आ गया थे, दोबारा आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। अगर इसमें आप आते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो इसी तरह हो सकता है आपका भी वीजा मैं लाइव दिखाऊं, समझ रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कतर का हेल्पर का जॉब, हेल्पर का तो हटम रहता है, आज ही इंटरव्यू था हेल्पर का, कहाँ रह गए। और कोई आती है सलमान हुसैन साहब, कुवैत का वीजा मेरे से ले लो भाई। गुलेज जमात भाई बड़ी महंगा है वीजा, हम तो कुवैत का जी। सलाम वालेकुम। हेलो सलाम वालेकुम, क्या क्या हाल चाल है। सलाम वालेकुम, कहाँ से बात कर रहे हैं भैया। मैं बरेली से बात कर रहा हूँ। बरेली से इतना दूर से बात कर रहे हैं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो को शेयर किया है। अरे ये वीजे के लिए पूछ रहा था सर मैं। क्या काम करते हैं आप। ये मेरा भाई काम करता है, इसका क्या बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं यार, टंकी फिटिंग का। ये कौन सा टैंक फिटिंग, नल वाली नहीं होती ये, क्या बोलते हैं इसको यार, मेरे प्लम्बर 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 प्लम्बर। तो देख ली जी आप वीडियो हमारा देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा वीडियो जाते हैं जिसमें प्लम्बर का बात बोलते हैं तो उसमें शेयर तो हम ऐसा करते रहते। देखिए एकदम पानी के साथ काम करते हैं, जान लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए अभी जो भी साथी है फर्नीचर कारपेंटर, फर्नीचर पॉलिशर, जिप्सन कारपेंटर, 28 तारीख को इंटरव्यू है, आके 28 तारीख को पासपोर्ट लेकर होके तो तुरंत वीजा लीजिए। फेल हो गए भैया अपना पासपोर्ट लीजिए, अपना घर हमको दोबारा मौका देना चाहते हैं तो पासपोर्ट हमारे ऑफिस में जमा कर दीजिए, जब भी आपके ट्रेड का दोबारा इंटरव्यू आएगा तो आपको बुलाया जाएगा। इतना साफ सुथरा कौन काम करता है बताइए। इंटरव्यू देने के 5 मिनट के अंदर ही आपको मालूम चले गया कि आप फेल है कि पास है, 5 मिनट के अंदर, समझ रहे हैं, क्या आपको मालूम चल गया कि आप विदेश जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। अभी 621 लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मुझे मालूम है कि आपका ये ट्रेड नहीं है भैया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि आपका ट्रेड नहीं है फर्नीचर कारपेंटर, फर्नीचर पॉलिशर, ठीक है, और ये जिप्सन कारपेंटर आपका ट्रेड नहीं है, लेकिन ये बटन अगर शेयर दबा देंगे हो सकता है कई फर्नीचर कारपेंटर, फर्नीचर पॉलिशर और जिप्सन कारपेंटर तक आपका वीडियो पहुंच जाए। आपकी एक शेयर दबाने से उनका किस्मत बन जाएगा मेरे भाई। नहीं तो एजेंट दलाल के पास परेशान रहेंगे, तो उसका पासपोर्ट कोई रख लेगा, कोई मेडिकल करवा रख लेगा, कोई 40-50 हज़ार ठग के रख लेगा। बहुत लोगों को अच्छे ऑफिस के बारे में मालूम ही नहीं, इधर उधर घूम रहे हैं, मजाक नहीं, चौराहा पे जाके रोड पे जाके पासपोर्ट किसी को भी अपना दे दे रहे हैं, तो लोग बच जाएंगे दोस्त। और कोई साथी है जो बात करना चाहता है। सुनील शर्मा साहब, मैं क्या आपका टिकट नहीं हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका कहाँ के वीजा आया है, कहाँ का टिकट चाहिए, मुझे इतना नहीं मालूम है मेरे भाई, कंप्यूटर में ही देखना पड़ेगा आपको। सर कतर के लिए लाइट है, मुझे कतर के लिए रोहित भाई तो हमारे पास स्मार्ट है, लेकिन कतर लाइसेंस चाहिए, कतर का लाइसेंस है तो आप आ जाए। और कोई है, मनोज सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो को शेयर किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आलम अंसारी भाई भी देखिए हमारे शेयर है, शेयर कर दिए। सुजीत शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने शेयर किया है, कृपया मुझे हेल्प कर जो मिल सकती है दुबई में। राजू कुमार भाई क्या काम करते हैं, राजू भाई मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, उठाइए। जो भी साथी हमसे बात करना चाहते हैं एक बार वीडियो को शेयर करिए ताकि हम बात कर सके। राजू भैया क्या हाल चाल है। बढ़िया जी सर। कहाँ देख रहे हैं। हम हरिद्वार से देख रहे हैं जी। हरिद्वार से देख रहे हैं, बताए क्या काम करते हैं। सर काम तो कुछ नहीं करते हैं। यार काम तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो हेल्पर में जाना पड़ेगा मेरे भाई। जी सर हेल्पर का जो मिल जाएगी सर। कितना उम्र, उम्र कितना है आपका। ये 18 साल। 18 साल में कैसे विदेश जाओगे मेरे भाई। 18 साल से ऊपर है
नहीं पासपोर्ट के हिसाब से क्या उम्र होता है? पासपोर्ट मेरा अप्लाई कर रखा है मैंने, अप्लाई हो जाएगा, पासपोर्ट बन जाएगा। पासपोर्ट पहले बनवा लीजिए। और विदेश यार 21 साल के बाद जाते हैं, ठीक है, आपके लिए मैं यही राय दूंगा कि अभी एज भी 18 है तो आपके पास टाइम है, कुछ काम सीख लेंगे तो तनख्वाह अच्छा मिलेगा, आपका भी बेहतर रहेगा। आदमी वहाँ पैसा कमाने के लिए जाता है, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? मान लीजिए जो आदमी है जिसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, शादी हो गए, बच्चे हो गए हैं, किसी तरह उनका परवरिश करना, तो बेचारा मजबूरी भागता है, समझ में आता है। लेकिन आपके पास तो टाइम है यार, अपने फायदे के लिए मैं आपका नुकसान नहीं करा सकता हूँ। तो आप, मेरी राय यही है कि आप कुछ ना कुछ राजू भाई काम सीख लीजिए यार। जहरुद्दीन आलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो शेयर किया है, मैं कॉल कर रहा हूँ। अर्जुन कुमार राजभर साहब आप भी शेयर कर दीजिए, जुबेर खान साहब आप भी शेयर करिए। हेलो, सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम जहरुद्दीन भाई, क्या हाल चाल है? बस ठीक है, अपना कैसे? बहुत दिन से आप भी हमारा वीडियो देख रहे थे, हम भी आपको देख रहे थे, लेकिन आज पहली बार बात हुआ है आपसे। नहीं, एक बार और बात हुआ था ना सर। कहाँ, कब? अच्छा, कहाँ पे, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं अभी बिहार से बात कर रहा हूँ। वो एक स्वाधीन ग्रुप और कतर में मैंने डाला है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। नहीं मेरे भाई, अभी देखिए, ईद आपको भी मालूम, आप भी मुसलमान है यार, पूरा महीना रमजान था कि नहीं था? जी जी, हाँ, बताए। अब ईद खत्म हुआ, अब धीरे धीरे जो बड़े बड़े अधिकार कंपनी के वो होते हैं, एक एक सात दिन के लिए छुट्टी चले जाते, अब काम हम लोग खुल के कर रहे हैं, तो अब आप हो जाएगा। पर क्या ट्रेड क्या है आपका? टाइल मेसन सर। टाइल मेसन का हो जाएगा आपका, परेशान ना हो थोड़ा, ठीक है? वीडियो में जी। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? महेश महतो साहब ने शेयर किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन शेयर नहीं किया है महतो साहब आपने। करोमाल साहब भी नहीं शेयर किया। मोहम्मद आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे, आपका पूरी फैमिली बहुत ही खुशहाल रहे, बहुत ही आप तरक्की करें, इतना पैसा आप कमाए कि आपके पड़ोसी आपसे एकदम परेशान हो जाए। हाँ, यही दुआ है हमारी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई साथी जो है, कतर या कुवैत ओमान का कोई आएगा तो कॉल करेंगे मैं उसको। सुहास साहब जो भी आता है हम लाइव डालते रहते हैं, ठीक है। और कोई साथी है जो बात करना चाहता है? अमना साहब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। रोहित कुमार साहब वीडियो को शेयर कर दीजिए, रोहित भैया बड़ी उम्मीद है कि आपके एक शेयर से लोगों तक पहुंच जाएगा। जो साथी पढ़े लिखे हैं थोड़ा ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए। जुबेर खान साहब नहीं शेयर कर रहे हैं आप, सोनू अंसारी साहब भी नहीं शेयर किए हैं, शायद हुसैन साहब। और कोई साथी जो बात करना चाहते हैं, जो भी साथी देखिए मेरे ऑफिस में आना चाहते हैं, यूट्यूब पे एक बार सर्च मार लें परफेक्ट ग्रुप ऑफिस एड्रेस, सीधा सीधा हमारे ऑफिस पे आ जाएंगे। एमडी रियाज साहब हमारे जैसे आदमी से क्यों 2 साल से बात करना चाहते हैं यार, एक बार याद किए होते बात हो जाएगा। लगाए हैं रियाज में। और कोई साथी है जो बात की? देखिए एमडी सद्दाम भाई, हमारा ही नाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी शेयर कर दिया, लगा रहा हूँ सद्दाम भाई आपको भी। सोनू अंसारी साहब शेयर कर दीजिए, सदरे आलम भाई भी नहीं शेयर किए हैं, अर्जुन भाई भी नहीं बात किए हैं, अर्जुन कुमार राजभर साहब शेयर करिए वीडियो। देखिए आपने काट दिया, तो इसमें आप जो भी साथी जाना चाहते हैं आग बन करके 28 तारीख को आप आ जाइए, आपका इसमें काम हो जाएगा दोस्तों, और ये दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी साथी विदेश जाना चाहते हैं, फर्नीचर कारपेंटर, फर्नीचर पॉलिशर और जिप्सन कारपेंटर, आप आ जाए और आके अपना इंटरव्यू दें, ताकि जो है आपका मैं काम करवा सकूँ दोस्तों, ठीक है। जो भी साथी आना चाहते हैं वो 28 तारीख को डायरेक्ट ऑफिस में आ जाए। जो साथी ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, अभी स्टाफ की कमी है, फोन तो कभी उठेगा, ये सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक फोन करके अपना ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं, इन ट्रेडों में हमको जाना है, ठीक है, आपका सबसे पहले इंटरव्यू कराया जाएगा दोस्तों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अब जो है मैं लाइव बंद कर रहा हूँ, और जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा आएंगे मेरे ऑफिस में। मैं उसके लिए बता दूं कि मेरा ऑफिस सिर्फ गोरखपुर में ही है, गोरखपुर मदन मोहन इंजीनियरिंग कॉलेज है, बस इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में ही है। मेरा यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो सर्च मार लेंगे परफेक्ट ग्रुप ऑफिस एड्रेस, पूरा मैंने वीडियो बना डाला है, तो वीडियो देख के इजिली आसानी से हमारे घर आ सकते हैं। तो आ जाइए उस्मान खान साहब, मैं आपसे भी बात कर ले रहा हूँ। खान साहब
वीडियो को शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित कुमार साहब कतर का वाली लाइसेंस, कभी भी आइए वीजा लेके जाइए। खान साहब सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कतर हूँ अभी फिलहाल। तो कतर में इतना अंधेरे में है आप? नहीं, लाइट बंद करके सोए हुए थे ऐसे ही। छुट्टी है क्या आदमी भाई साहब? छुट्टी नहीं है, जैसे हम लोग कंपनी में स्ट्राइक हुआ है तो हम लोग सोए हुए थे। कौन से कंपनी में? QMMC। हाँ, शेख फैसल QMMC। ये कौन सा कंपनी? हम तो पहली बार नाम सुने कतर में यार, हम रहे 6 साल। कतर का बहुत बड़ी कंपनी है, फैसल होल्डिंग कंपनी है। जो फैसल होल्डिंग का तो नाम सुने, लेकिन आप जो बता रहे हैं उसका नाम कभी नहीं सुने यार। इसका बहुत कंपनी है। कितने आदमी काम करते हैं आपके कंपनी में? यही तकरीबन 500 से ज्यादा इस कंपनी में है, मतलब बहुत लाइसेंस है उसके पास, लेकिन इसमें मैक्सिमम 500 से। ये कोई यूरोप का वीजा है? यूरोप यूरोप का काम नहीं करते हैं। तो क्या ट्रेड है आपका? हम इलेक्ट्रिशियन है। यूरोप का नहीं काम करते हैं दोस्तों, यूरोप का इसलिए नहीं काम करते हैं मेरे भाई, क्योंकि यूरोप का यार 10-10 लाख 8-8 लाख आदमी मांगता है यार, मैं इतना नहीं काम ही नहीं करता। दम भाई पुलिस बात कीजिए। एमडी रियाज भाई मैं लगाए तो हूँ आपको, दोबारा लगा रहा हूँ, नहीं लग पा रहा है, आपका अपडेट करना पड़ेगा फेसबुक। जुबेर भाई जो भी साथी जाना चाहते हैं मेरे ऑफिस में भेज दीजिए। फर्नीचर कारपेंटर, फर्नीचर पॉलिशर, और जो है जिप्सन कारपेंटर, इन तीन ट्रेडों का इंटरव्यू हमारे ऑफिस में 28 अप्रैल को, ठीक है? आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है? और इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर पे आ जाइए, मेरे ऑफिस का नंबर है 7800477729, 7800600477। ये नंबर है, सुबह 10 बजे से लगा के आप शाम को 7 बजे तक बात कर सकते हैं, तो आप आ जाए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी फोन उठेगा नहीं, क्योंकि फोन बहुत ज्यादा आते हैं और मेरा स्टाफ चला गया है छुट्टी ईद मनाने के लिए, और देखिए इसका ईद कब खत्म होता है। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, कोई साथी हमारे ऑफिस में काम करना चाहता है जिसका कंप्यूटर फास्ट हो, एक्टिव आदमी हो, कुछ जिंदगी में करना चाहता है अपने परिवार के लिए, हमारे ऑफिस में आ जाए, सैलरी भी 10 से 15 हज़ार दूंगा, रहना खाना भी दूंगा, ठीक है? तो दोस्तों यही सब कहना है, वीडियो को ज्यादा लोगों तक बताइए और 28 तारीख को आइए, मैं इंतजार करूंगा, मैं खुद आपके साथ रहूंगा दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।